Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start with amplitude, time period and frequency of vibration. हम sound chapter कर रहे हैं. Okay. Last class में हमने पढ़ा था sound के बारे में. Now हम पढ़ेंगे amplitude के बारे में. Okay. Vibration is the to and fro motion of an object and it is also called oscillatory motion. आप ने पढ़ा था ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है. टू एंड फ्रो मीन्स आप एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ए पॉइंट तक, जीरो से आपने स्टार्ट किया, आप ए तक गए, देन अगेन बी गए एंड उसके बाद आप ए पे वापस आ गए. सो जो पूरा ये मोमेंट है, मोशन है, एक पॉइंट से दूसरे तक जाना आफ्टर अ इंटरवल ऑफ टाइम और अपने पोजिशन पर वापस आ जाना, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. ओके. वाइब्रेशन, यहाँ पे मैंने साउंड में आपको बताया था वाइब्रेशन होती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है. सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन इट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ओके. जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जो बॉडी है हमारी, जो ऑसिलेटिंग बॉडी है, अपनी सेंट्रल पोजीशन से, लाइक यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन क्या है, ओ. सो ओ से ए, ओ ए, और ओ से बी जाना, ओ बी, ये जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और इसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. ओके. द मोशन ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड बैक इज कॉल्ड ऑसिलेशन. पहले ए से बी जाना एंड बैक ए तक आना. सो इस मोशन को हम पूरा वन ऑसिलेशन कहते हैं. ओके. ए से बी जाना एंड अगेन बी से ए वापस आना अपने ही पोजिशन तक, जहाँ से स्टार्ट किया था पूरा घूम के वहीं वापस आना आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ मतलब जो भी उसका टाइम इंटरवल है उसके बाद. सो उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं. एंड द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं. द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी. ओके. जितनी नंबर होती हैं ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एंड उसकी यूनिट है हर्ट्ज. यू हैव टू रिमेंबर दिस, HERTZ, उसकी यूनिट है हर्ट्ज. ओके. इसको SZ भी लिखते हैं. नाउ लाउडनेस एंड पिच ऑफ साउंड. द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. लाउडनेस मतलब कितनी आवाज़ की जो लाउडनेस है वो किस पे हमारे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, कि कितना एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का. जो हमने अभी पढ़ा कि एम्पलीट्यूड होता है उस पे डिपेंड करती है लाउडनेस, कितनी लाउड है वॉइस जो है हमारी, कितना साउंड जो है वो लाउड आ रहा है. इफ़ द एम्पलीट्यूड इज लेस द साउंड इज फीबल एंड इफ द एम्पलीट्यूड इज मोर द साउंड इज लाउड. ओके. अगर तो एम्पलीट्यूड कम है साउंड भी कम होगा, और अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है सो साउंड भी ज़्यादा होगा, लाउड होगा. और इसकी जो यूनिट है लाउडनेस की, इट इज़ कॉल्ड डेसिबल्स. ओके. ऐसा कहते हैं कि इतने, जैसे एक लिमिट होती है कि इतने डेसिबल के बाद हमारे को जो है सुनाई नहीं देता, वो भी हम पढ़ेंगे आगे. सो डेसिबल जो है यूनिट है ऑफ लाउडनेस की. ओके. कि कितना डेसिबल जो है हमारे कानों के लिए सुनना हानिकारक नहीं है, अगर उससे ऊपर हम सुनेंगे इतने डेसिबल से, उसकी कुछ लिमिट फिक्स कर देते हैं और उसके बाद उतने डेसिबल से ऊपर का साउंड जो है वो नॉइस पोल्यूशन कहलाता है. ओके. दैट वी विल डिस्कस लेटर. नेक्स्ट है पिच. द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस द साउंड हैज़ लो पिच. ओके. पिच जो है साउंड की, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी. जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, जो भी हमने पढ़ा, उसके ऊपर डिपेंड करती है पिच. एंड जो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो साउंड की लो पिच होगी, जैसे कि साउंड ऑफ अ ड्रम एंड साउंड ऑफ एन अडल्ट. ओके. ड्रम की साउंड, अगर उसकी वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी सो साउंड भी वहाँ पे लो होगी. एंड इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज मोर द साउंड हैज़ अ हाई पिच, दैट इज़ अ साउंड ऑफ विसल और साउंड ऑफ बेबी. क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है अगर वो ज़्यादा है तो साउंड पे यहाँ पे हाई पिच में सुनाई देगा. लाइक जब हम विसल मारते हैं सो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो विसल की जो साउंड है वो बहुत तेज, उसकी पिच बहुत ज़्यादा होती है. ओके. एज इट इज शोन, जो ड्रम की है उसकी फ्रिक्वेंसी लेस है, इसीलिए उसकी साउंड भी लो पिच में है. बट जो विसल होती है उसमें जो साउंड होती है उसकी फ्रिक्वेंसी
मोर है इसीलिए उसकी साउंड भी ज़्यादा होती है. ओके, हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स आर शोन हेयर एंड लो फ्रिक्वेंसी वेव आर शोन हेयर. ओके, जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव हैं दीज आर हायर देन द लो फ्रिक्वेंसी वेव. नेक्स्ट, ऑडिबल एंड इन ऑडिबल साउंड, जो मैं आपको बता रही थी कि कितने इसकी एक लिमिट होती है. ऑडिबल साउंड इज़ द साउंड विच वी कैन हेयर, इट हैज़ फ्रिक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्स एंड 20,000 हर्ट्स. ओके, अगर 20 और 20,000 हर्ट्स के बीच में साउंड है सो इट इज़ ऑडिबल, मतलब वो हमारे सुनने की रेंज में आती है, ऑडिबल है. ओके, जो हम सुन सकते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स के बीच में आती है, बिटवीन 20 एंड 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, सो वो ऑडिबल है हमारे लिए. बट कुछ जो साउंड्स होते हैं जो इनऑडिबल होते हैं, विच वी कैन नॉट हेयर बिकॉज इट हैज़ हायर फ्रिक्वेंसी और लेस देन, या तो कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं. अगर 20,000 से ज़्यादा है तब भी हमें नहीं सुनाई देगा, एंड अगर 20 हर्ट्ज से कम है सो वो भी हमारे लिए ऑडिबल नहीं होगी. ओके, साउंड्स हूज फ्रिक्वेंसी आर मोर देन 20,000 हर्ट्स इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, एंड सम एनिमल्स लाइक डॉग्स कैन हेयर अल्ट्रासोनिक साउंड, एंड बैट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड. लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बैट का एग्जांपल दिया है. बैट्स जो हैं अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं. और कुछ एनिमल लाइक डॉग हैं, उनमें ये क्षमता होती है कि वो सुन सकें अल्ट्रासोनिक साउंड. ओके, नाउ व्हाट इज़ नॉइज़ एंड व्हाट इज़ म्यूजिकल साउंड. नॉइज़ किसको हम बोलते हैं, अनप्लेजेंट साउंड दैट आर कॉल्ड नॉइज़ एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर वाइब्रेशन. ओके, लाइक इफ़ द ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम स्पीक्स टुगेदर अ नॉइज इज़ प्रोड्यूस्ड. ओके, बिकॉज जो अनप्लेजेंट साउंड है वो इरेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, उसको हम नॉइज़ बोलते हैं. नॉइज़ पोल्यूशन आपने सुना होगा, अगर एक साथ सब बच्चे चिल्लाने लगेंगे, सब बच्चे बोलने लगेंगे क्लास में, सो डेफिनेटली एक नॉइज़ प्रोड्यूस होगा. ओके, क्योंकि कुछ भी हमें समझ में नहीं आएगा, इट इज़ एन इरेगुलर वाइब्रेशन. ओके, और द साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स, जब हम जाते हैं मार्केट में इतनी साउंड होती है प्रोड्यूस, तो वो हम सारा उसमें नॉइज़ बोलते हैं, बिकॉज बहुत सारी बस ट्रक व्हीकल्स जा रहे हैं और हॉर्न्स दे रहे हैं, सो उससे वहाँ पे एक क्रिएट होती है नॉइज़. ओके, एंड द म्यूज़िकल साउंड विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर्स, जो हमारे कानों को अच्छी लगती है उस साउंड को हम म्यूज़िकल साउंड बोलते हैं. लाइक उसमें रेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि एग्जांपल है साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और साउंड ऑफ अ पर्सन सिंगिंग अ सॉन्ग. आपने देखा होगा कि अगर कोई बहुत मधुर आवाज़ में गाना गा रहा है सो वो सब हमें एक म्यूज़िकल मेलोडी लगती है, वो हमारे लिए म्यूज़िकल साउंड है. जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वायलिन सितार, उनकी साउंड जो है वो म्यूज़िकल साउंड कहलाती है, बिकॉज वो हमारे कानों को अच्छी लगती है. एज़ इट इज़ शोन हियर, जो बच्चे देखो क्लास में बहुत सारे इकट्ठे बोल रहे हैं, या जो ट्रैफिक है, सो ये सारा आता है हमारा नॉइस में. और अगर कोई असेंबली में बहुत अच्छा सॉन्ग गा रहा है, या जो नाइटिंगेल है उसकी मधुर आवाज़ है, सो ये सब हमारा आता है म्यूज़िकल साउंड में. ओके, नाउ व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन. द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन, दैट आई हैव टोल्ड यू, कि जो ज़्यादा और बहुत ही अनवांटेड साउंड है वो हमारे एनवायरनमेंट में उसको हम पॉल्यूट करती है और उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, एक्सेसिव मतलब बहुत लाउड है, अनवांटेड साउंड है, उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं. एंड व्हाट आर द कॉजेज, इट हैज़ मैनी कॉजेज, लाइक साउंड ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन, लाउड स्पीकर्स. ओके, नाउ नॉइज़ पोल्यूशन कहाँ से होता है, जितनी भी व्हीकल्स हैं, या फिर आप जब क्रैकर चलाते हैं, लाउड स्पीकर्स करते हैं यूज़, तो उससे जो भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है. ओके, होम में भी कई बार टेलीविज़न, रेडियो, म्यूज़िक सिस्टम अगर हाई वॉल्यूम पे चलाए जाएँ, सो या फिर एयर कंडीशन या डेजर्ट कूलर्स होते हैं, उन सब के कारण भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है. ओके, एंड द व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ते हैं, बिकॉज इससे हमें कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लाइक हमें
स्लीप में सोने में दिक्कत होती है, हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी एंड अ पर्सन विच इज़ एक्सपोज टू लाउड साउंड कंटिन्यूसली में गेट टेम्परेरी और परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। अगर आप हमेशा कानों में लगा के अपने हेडफोन्स बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में सुनेंगे म्यूज़िक, सो आपका हो सकता है कि आपका कान जो है हियरिंग में प्रॉब्लम आ जाए, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये हार्मफुल इफेक्ट है नॉइस पोल्यूशन के। एंड व्हाट आर द मेजर टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम व्हीकल्स में अपने साइलेंसर का यूज़ कर सकते हैं, या मशीन्स या होम अप्लाइंसेस जो हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग कर सकते हैं कि कहीं कुछ खराबी तो नहीं है उसके कारण उससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और जो हम टीवी, रेडियो और म्यूज़िक सिस्टम है अपने घर में उसको लो वॉल्यूम पे चला सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं बिकॉज उनसे भी नॉइज़ पोल्यूशन रिड्यूस होता है। ओके, अगर व्हीकल्स की पोल्यूशन चेक की, सब कंडीशन व्हीकल मेंटेन की जाए सो उनसे अनवांटेड साउंड भी नहीं प्रोड्यूस होता। ट्रीज़ लगाने से अपने रोड के और बिल्डिंग के आसपास हम इजीली जो है नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द नॉइज़ पोल्यूशन। नाउ हियर आपको मैंने दिखाया कि कहाँ कहाँ पे ये सारे नॉइज़ पोल्यूशन के ही कारण है कि इससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। लाइक एक पर्सन है बहुत स्पीकर में लाउड वॉल्यूम में डीजे चलता है वेडिंग्स में, सो वो एक नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। क्रैकर्स हैं, और जब हम ऐसे बहुत यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग हैं, क्राउड है, सो वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। एसी वगैरह में या जो कूलर्स होते हैं उनमें कई बार ख़राबी के कारण बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। सो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ एंड नॉइज़ पोल्यूशन। ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट साउंड। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू, आई होप यू लाइक्ड इट।